क्या आपका स्पाइन एक साइड पर बेंड होने लगा है, जिनको स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी बोला जाता है, और आप इनको करेक्ट करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे स्ट्रेचिस, ऐसी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप स्कोलियोसिस को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो। स्कोलियोसिस मुख्य दो टाइप के होते हैं, एक होता है सी, एक होता है एस। सी टाइप में हमारा जो स्पाइन होता है वह सी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, एस टाइप में हमारा पूरा स्पाइन एस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं यह एस टाइप के स्कोलियोसिस के लिए एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर यह एस टाइप के स्कोलियोसिस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइन को पीछे से देखते हो और आपका स्पाइन एस शेप में आपको दिख रहा है, यानी कि इस तरीके से आपको दिख रहा है, थोरेसिक रीजन में आपका स्पाइन लेफ्ट साइड पर कॉन्वेक्सिटी दिखा रहा है और लंबर स्पाइन आपका राइट साइड पर कॉन्वेक्सिटी दिखा रहा है, तो इनको एस टाइप में हम इंक्लूड करेंगे। और अगर आप पीछे से स्पाइन को देखते हो, आपका स्पाइन रिवर्स एस शेप में बेंड हो गया, यानी कि थोरेसिक रीजन में आपका स्पाइन राइट साइड पर कॉन्वेक्स हुआ है और लंबर स्पाइन आपका लेफ्ट साइड पर कॉन्वेक्स हुआ है, यानी कि इनको आप रिवर्स एस शेप में इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर यह दोनों सब टाइप की एक्सरसाइज सेम रहेगी, पर हमें अपोजिट साइड पर एक्सरसाइज करनी है। तो इस वीडियो में आपको मैं यह एस टाइप के लिए एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ और यह सभी एक्सरसाइज को हमें अपोजिट साइड पर करनी है, तो आपकी यह सभी एक्सरसाइज रिवर्स एस टाइप के लिए हो जाती है। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दिनल, तो यहाँ पर हमें सभी एक्सरसाइज एस शेप के स्कोलियोसिस के लिए करनी है, यानी कि जो हमारा स्पाइन है इस तरीके से एस शेप में बेंड हो गया है। यहाँ पर हमारा जो थोरेसिक स्पाइन है वहाँ पर लेफ्ट साइड पर कॉन्वेक्सिटी हुई है और लंबर स्पाइन में हमें राइट साइड पर कॉन्वेक्सिटी हुई है। तो यहाँ पर हमें सभी एक्सरसाइज एस शेप के स्कोलियोसिस के लिए करनी है। अगर आपको रिवर्स साइड पर, यानी कि रिवर्स एस शेप में स्कोलियोसिस है, तो सभी एक्सरसाइज हमें अलग डायरेक्शन में करनी है। तो यहाँ पर पहली एक्सरसाइज के लिए हमें दोनों हाथ को हमारे गर्दन के नीचे रख देना है, के बाद दोनों लेग को बेंड कर देना है, साथ में जोड़ देना है दोनों फुट को। इनके बाद फिर हमें लेग को इस तरीके से राइट साइड पर ले जाना है और हेड को हमें लेफ्ट साइड पर इस तरीके से टर्न करना है। यह पोजिशन में आपको थोड़ी देर रुकना है, 10 काउंट होल्ड करिए। इनके बाद फिर हमें वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेग को लेना है, हेड को भी न्यूट्रल पोजीशन में लेना है। सभी एक्सरसाइज अगर आप ब्रीदिंग के साथ करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। जब आप लेग को और हेड को घुमाते हो उस वक्त ब्रीद इन करना है, ब्रीद को होल्ड करिए। इनके बाद फिर जब आप न्यूट्रल पोजीशन में लाते हो तब ब्रीद आउट करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें उल्टा लेट जाना है। इनके बाद फिर हमें जो हमारा राइट हैंड, इनको सीधा कर देना है इस तरीके से, और हमारे लेफ्ट लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट लेग को इस तरीके से ऊपर उठाना है। 10 काउंट होल्ड, ऊपर लाते वक्त ब्रीद इन करना है, ब्रीद को होल्ड करिए। फिर हमें हाथ को और लेग को नीचे ले जाना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है। तो इस तरीके से हमें राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, ब्रीद इन, 10 काउंट होल्ड, नीचे ब्रीद आउट, 10 रिपीटेशन हमें करना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से क्रॉल पोजीशन लेनी है, दो लेग और हाथ के ऊपर वेट देना है। इनके बाद फिर हमें वापस से सेम राइट हैंड को आगे सीधा करना है और लेफ्ट लेग को पीछे ऊपर उठाना है। इस तरीके से स्पाइन आपका एकदम सीधा रहना चाहिए। यह पोजीशन में आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद को होल्ड करिए, 10 काउंट होल्ड, के बाद हाथ और लेग को नीचे रख देना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है। वापस से हाथ को, राइट हैंड, ब्रीद इन, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद फिर नीचे लाना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है। तो यह हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज में हमें कैट एंड कैमल करना है, तो यही पोजीशन हमें रखनी है। इनके बाद फिर हमें ब्रीद इन करना है और फिर हमारे हेड को ऊपर लाना है और हमारे कमर को नीचे ले जाना है। ब्रीद को होल्ड करिए, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद फिर गर्दन को नीचे लाना है और हमारे कमर को ऊपर उठाना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है। आपकी बॉडी सीधी रहनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। गर्दन को ऊपर उठाइए,
कमर को नीचे ले जाइए, ब्रीथ इन, ब्रीथ को होल्ड करिए, 10 काउंट होल्ड, फिर गर्दन को नीचे लाइए, कमर को ऊपर उठाइए, ब्रीथ आउट। इस तरीके से हमें पूरी साइकिल 10 रिपीटेशन में करनी है। इनके बाद की 5th एक्सरसाइज और 6th एक्सरसाइज में हमें स्पाइन एलोंगेशन करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से वज्रासन पोजिशन में बैठ जाना है, फिर हमें दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और एक गहरा श्वास लेना है, ब्रीथ इन। इनके बाद फिर बॉडी को आगे झुका देना है, हाथ को नीचे लेना है, नीचे लाते वक्त ब्रीथ आउट करना है, आपके फोरहेड को नीचे टच कर देना है, दोनों हाथ को सामने खींचना है, आपका पेल्विक नीचे ही रहना चाहिए। तो यह पोजिशन में आपको थोड़ी देर रुकना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, इनके बाद फिर एक गहरा श्वास लेके बॉडी को ऊपर उठाना है, दोनों हाथ को और बॉडी को ऊपर उठा देना है, ब्रीथ इन, वापस से नीचे लाते वक्त ब्रीथ आउट करना है। यहाँ पर आके ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, दोनों हाथ को सामने अच्छी तरीके से खींचना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा स्पाइन अच्छी तरीके से एलोंगेट होगा, स्ट्रेच होगा। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यही एक्सरसाइज हमें चेयर के ऊपर बैठ के भी करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से चेयर के ऊपर बैठ जाना है, दोनों फुट को ज़मीन पर टिका देना है, इनके बाद फिर हमें दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, एक गहरा श्वास लेना है, फिर हमें हाथ को और बॉडी को आगे झुकाना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है, दोनों हाथ को फुट के दोनों साइड पर रख देना है, नीचे आके ब्रीद आउट कर देना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, थोड़ी देर रुकिए। यहाँ पर भी हमारा स्पाइन एलोंगेट होगा, अच्छी तरीके से स्ट्रेच होगा। इनके बाद फिर एक गहरा श्वास लेके दोनों हाथ को और हमारी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, फिर वापस से ब्रीद आउट करके बॉडी को नीचे ले जाना है, नीचे थोड़ी देर रुकना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, इनके बाद फिर एक गहरा श्वास लेके बॉडी को ऊपर उठाना है। इस तरीके से हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर हमें दोनों हाथ का इस तरीके से फिंगर लॉक कर देना है, हाथ को ऐसे उल्टा करके हेड के ऊपर अच्छी तरीके से स्ट्रेच देना है, अच्छी तरीके से ऊपर खींचना है, ऊपर लाते वक्त उस वक्त आपको ब्रीद इन करना है, 10 काउंट होल्ड, ब्रीद को भी होल्ड करके रखना है, इनके बाद फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे लाना है, नीचे लाते वक्त ब्रीद आउट करना है। तो इस तरीके से हाथ को हमें उल्टा करके हेड के ऊपर ले जाना है, अच्छी तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रेच देना है, ब्रीद इन करना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद फिर ब्रीद आउट करके हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाना है। इस तरीके से 10 से 15 बार हमें करना है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेचेस, जो एक्सरसाइज सीखे, इनके जरिए आप स्कोलियोसिस को धीरे धीरे करेक्ट कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।